साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाती उम्रा से रवाना हो चुके हैं। नवाज शरीफ सहाफ़ी सर अलमेड को मतनाज़ा इंटरव्यू देने के केस में हाई कोर्ट में पेश हुए, इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करेंगे, चूँकि आज नवाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी है। इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाती उम्रा से रवाना हो चुके हैं, सहाफ़ी को मतनाज़ा इंटरव्यू देने के केस में हाई कोर्ट में पेश हुए और उसके आज उनकी पेशी है। इस हवाले से तो जाती उम्रा से उनकी रवानगी के मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज नदीम। हाफिज नदीम, आपसे जानना चाहेंगे, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाती उम्रा से लाहौर हाई कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब जो है वो जाती उम्रा से रवाना यहाँ पर हो चुके हैं। सख्त सिक्योरिटी के हमरा जो है वो यहाँ से रवाना हुए हैं, जबकि उनकी जानिब से आज जो है वो एडवोकेट नसीर अहमद भुट्टा नवाज शरीफ की जानिब से जो है वो हाई कोर्ट में दलाइल देंगे और 10 बजे के करीब जो है वो उनकी वहाँ पर हाई कोर्ट में जो है वो बाकायदा तौर पर पेशी होगी। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनको जो है वो जस्टिस इनकी जानिब से जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में फुल बेंच ने मुतनाज़ा इंटरव्यू के मामले पर नवाज शरीफ को जो है वो तलब कर रखा है और ज़राए के मुताबिक जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि इस पेशी के बाद जो है वो मुमकिन है कि नवाज शरीफ 180H मॉडल टाउन जो है वहाँ पर जाएंगे। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के प्लान की, तो सिक्योरिटी के प्लान की जानिब से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के जो आज यहाँ से लेके जाती उम्रा से लेके हाईकोर्ट तक जो सिक्योरिटी के प्लान बताए जा रहे हैं वो तकरीबन 8 सिक्योरिटी में वो लाहौर हाईकोर्ट पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज नदीम आपका।